अज गुरैन दे नेड़ले पिंड पत्ती जगीर दी पंचायत वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते दिन एक संस्था दे साबका सरपंच मनोहर लाखा दे पिंड विच तियां दा त्योहार मना सरकारी नियमां दी उलंघना करन दे आरोप लगाए गए ने। इस मौके पिंड पंचायत ने कहा है कि इस विच ग्राम पंचायत दे सहयोग दा जिक्र कीता गया है, पर पंचायत वल्लों तियां दा त्योहार मनाउण लई कोई भी सहमति नहीं दित्ती गई सी। उन्होंने दस्सिया है कि पिंड विच पहला ही एक व्यक्ति दी कोरोना नाल मौत हो चुकी है ते चार होर नवे केस ने। इस मंदभागे समय विच पंचायत ने मना करन दे बावजूद भी तियां दा त्योहार मनाया गया। इस मौके ना तां किसी ने सोशल डिस्टेंस दा ध्यान रखिया ते ना ही किसी ने मास्क पाया होया सी। पिंड विच शरेआम कानून दे नियमां दीआं तज्जियां उडाईआं गईआं, पर प्रशासन नूं इस बारे कोई जानकारी नहीं। ग्राम पंचायत ने इस संबंधी लिखती शिकायत दे के पुलिस प्रशासन पासों मंग कीती है कि उन्हां खिलाफ कार्रवाई कीती जावे। प्रशासन दा कहना सी भई पिंड च इकट्ठ ना कीता जावे। साडे पिंड विच पहलां ही इक मरीज दी करोना करके मौत हो चुकी है अते चार जलंधर दाखिल हैं। इस करके पंचायत ने इन्हों मना किया सी तुसीं अज तियां त्यौहार ना मनाओ। इन्हों उदों नज़रअंदाज करते हुए फिर भी तियां दा मेला लगाया गया, जिस विच कोई डिस्टेंस नहीं रखा गया, कोई कानून की पालना नहीं की गई, कट्ठ मठ करके बीमारी होर बढ़ाने के चांस दीते गए, मुल लैन वाली गल है। तो इस करके असं चाहते हैं पिंड में भाईचारा बनया रहे, एकता रहे। असं पिंड तड़ेदार भाई जो अगर 10 साल बड़े संताप भोग चुके हैं, तो गह इस तू चाहिए भी ना इदा काम किया जाए। क्या ने मनाया जी? ये एक सभा बनाई हुई नहीं, अपने जन जनवादी सभा बनाई हुई है। एक उतो बनूर लाल आखा ने अगवाई की, पढ़िया लिखा बंदा साबका सरपंच उन्हें चाहिए ने कम चाहना, क्योंकि हूँ तो उदे माहौल बहुत खराब है ना। ब्याह कट हों ना भोग में कट हों ना कि होर साझे मेले मनाए जाते हैं, इदा तो कट नहीं होना चाहिए। इस करके अपना कोरोना से फतेह पा सकी। पंचायत तो मंजूरी ले, पंचायत तो मंजूरी फोन किया भी तुम आओ, इन्हें मना करता भी सरकार वालों सू हदायत भी असं नहीं कट होना। इन्हों फिर भी नज़रअंदाज करते हुए फिर भी मेला लाया, बहुत मंदभागी गल है। साढ़े पिंड जो एक्स सरपंच मनोहर लाखा जी आ, उन्होंने पंचायत दियां हदायतों ना मानते हुए जिहड़ा तियां दा त्यौहार मनाया, ये बिल्कुल गलत चीज़ सी। क्योंकि पिंड दे विच बहुत अगे मतभागी घटना हो चुकी आ, एक इंसान की जान जा चुकी आ, चार होर बच्चे तो पॉजिटिव आ। इसलिए अजकल तो बहुत इस चीज़ में जरूरी है कि आपो अपने घर आप रहीए, जो ये नामनाद बीमारी तो छुटकारा पा सकीए। पर पंचायत के कहने के बावजूद भी इन्होंने फिर तियां का त्यौहार मनाया, उत्थे कोई डिस्टेंस नहीं रखिया, किसी भी मुँह से मास्क नहीं सगा। क्योंकि सारे थानू पता ही है कि जो भी मेले तियां त्यौहार आ ये सारे गवर्नमेंट वालों बंद आ, तो अपना भी पूरा जोर लगा पाया भी ये चीज़ों को बंद किया जाए ता जो लोग इकट्ठे ना हो सकन। इस मौके जो साबका सरपंच मनोहर लाखा नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि पिंड विच जो तियां दा त्यौहार मनाया गया है उस बारे प्रशासन को सूचित किया गया सी। जितों तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गल है, जेकर वो पॉजिटिव होंगे तो सेहत विभाग उन्होंने घर ना भेजता। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना ने सिर्फ पद्दी जगीर के तियां वाले त्यौहार में ही आना है। जो मैंबर पार्लीमेंट चौधरी संतोख सिंह उद्घाटन लिए इन्ना इकट्ठ करते हैं तो कि उदो कोरोना नहीं आता, इसलिए उन्होंने कहा है कि पिंड विच धड़ेबंदी ना रखी जाए। मिशी पहली तो गल हैगी कि मैं किसी पंचायत ने रोकया नहीं है। मैं पंचायत के अपने जो मेन सरपंच साहब होंगे पिंड के, उन्होंने फोन करके इनवाइट किया भी सरपंच साहब जी अपने पिंड में तियां का सालाना मेला मनाया जाता 15 अगस्त, वो संबंध में जो लड़कियां आईया आ कोई रात दियाँ जो प्रोग्राम बनाने वास्ते कह रही हैं कि किता जाए, जबकि प्रोग्राम कोई लिखा नहीं, पहला कोई प्रोग्राम की तैयारी नहीं सी। मॉर्निंग ही असी सलाह करके खीर का लंगर लाया, सरपंच साहब के ध्यान में लिया गया। उन्हें मैंने ये कहा कि मेरे बेटे का बर्थडे असी बच्चे नहीं आ सकते, पर फिर भी तुम प्रशासन के ध्यान में लिया दो, ठीक है, क्योंकि 147 लगी हुई है। उन्होंने फोन कटने तो बाद मैं अपनी प्रशासन के ध्यान में लिया कि सिर्फ जब रसम की जानी आदि में कोई इदा नहीं कट मट किया जाए, क्यों जो कि साढ़े प्रोग्राम होंगे घट्टो घट्टो 1000 की तादाद में बंदे बुढ़िया इकट्ठे होंगे। ये जो प्रोग्राम किया गया बिल्कुल सरकारी हदायतों के हिसाब से लोगों डिस्टेंस रखा गया, जो आले दुआले वर्कर बैठे सारे ने मास्क पाए थे, जो बीबियां 4-5 नचियां उन्हें जरूर जो नचना है उन्हें मास्क नहीं पाना सी, वो लंघना नहीं मैं कह सकता। जे आप लंघना की गल करिए, हफ्ता पहला साडे पिंड में छिंज बनाई गई है, मैं तुहानूं फोटो वीडियोग्राफी दे सकता, साढ़े तो वध रश उस छिंज के
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੇਲਾ ਕੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਆ ਗਿਆ 250-300 ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗ ਚਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 5 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਪੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 150-200 ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ 150 ਬੰਦਾ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੱਦੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਪੱਦੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਹੀ ਕੰਮ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੱਦੀ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।